आज हम देखने वाले हैं काउंटर को कैसे यूज करते हैं और काउंटर को रीसेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, काउंटर को हमें पता है कि जैसे टाइमर को कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए होती है, काउंटर को नहीं चाहिए होती। तो काउंटर कैसे काम करता है, जैसे जैसे कोई पल्स उसे मिलती है उसी को तो काउंट करते हैं हम। तो हम यहाँ पर एक बेसिक सा एक क्या करते हैं, एनो लगाते हैं जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमें एक पल्स जनरेट होगी, और जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो फिर से अपना पल्स को लो कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने बटन लिया और टाइमर काउंटर के ब्लॉक में जाके हमने क्या उठाया, काउंट अप, और हमने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब दोस्तों, जब हमारा काउंटर एक वैल्यू को अप्रोच कर लेता है, मान लीजिए मुझे काउंट कराना है 10 तक, तो हमें उससे एक आउटपुट भी चाहिए, तो ये हमने एक आउटपुट यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो दोस्तों, अब हम इसकी एड्रेसिंग कर देते हैं, ये हमने एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो ये आई 0 लिया, इनपुट 0। अब हम काउंटर में गए और काउंटर में हमने जाकर क्या करा, काउंटर 50 C50 को यहाँ पर प्लेस किया, और उसकी डन बिट से हमने एक अपना आउटपुट हाई कर लेना है। तो आउटपुट टेबल में से एक हमने आउटपुट को यहाँ पर एड्रेस को प्लेस कर दिया। तो दोस्तों, जब जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, C50 तक एक सिग्नल जाएगा और ये एक्यूमुलेटर एक एक करके बढ़ेगा, और प्रीसेट की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितनी दे दी, 5। तो यहाँ 5 देने के बाद और ये काउंट डन, जैसे ही मेरा डन हाई हो जाएगा फौरन मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी रनिंग, डाउनलोड, रन, और ये हमने देखिए जैसे ही मैंने एक बार प्रेस किया तो देखिए यहाँ 1 आया, अगेन प्रेस करता हूँ तो वहाँ 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, 5 होने के बाद क्या हो गया, आउटपुट मेरा हाई हो गया। लेकिन अगर मैं अगेन इसको दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, अब मेरा काउंटर जो है ओवरफ्लो हो रहा है। तो मुझे इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रीसेट बिट लगाता हूँ जो इसको क्या करेगी, रीसेट करेगी। तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर देखा था टाइमर काउंटर में रीसेट यूज करते थे, अगर आप दोस्तों यहाँ पर रीसेट यूज करोगे तो ये रीसेट यहाँ पर काम नहीं करता। सिर्फ रीसेट कहाँ काम करता है कि जब हमें टाइमर को रीसेट करना होता है, काउंटर के केस में जो है रीसेट काम नहीं करता। तो आपको यहाँ पर कंप्यूट और मैथ, मूव और लॉजिक में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूव एक बिट है, यानी मूव का एक ब्लॉक है, तो आप उस मूव ब्लॉक को लीजिए, और एक क्या करेंगे हम, इस मूव ब्लॉक को कब एक्टिव होना है, जब हम इसको क्या देंगे, पावर सप्लाई देंगे, तब ये मूव ब्लॉक हमारा एक्टिव होगा। तो सोर्स में हम क्या लिखते हैं, इंटीजर वैल्यू लिखते हैं, यानी जो इंटीजर है हमारा, यानी n इंटीजर, उसके अंदर ही तो हम अपनी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, n7:0, और यहाँ पर क्या करना है हमें, किसको, जो हमारी n7 यानी जो इंटीजर वैल्यू, वो कहाँ जानी चाहिए, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ क्या रखा, C5:0.acc, यानी एक्यूमुलेटर में जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आते हैं n7 इंटीजर में, तो n7:0 में वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए 0, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। जब जब मैं अपना इस बटन को प्रेस करूँ, यानी इसकी एड्रेसिंग दे देता हूँ i1, जब जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तब तब क्या होगा, मेरा जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से अब ये रीसेट होगा। तो ये डाउनलोड किया मैंने, और यहाँ ये रन, और मैंने ये रीसेट का बटन प्रेस किया, तो ये 0, देखिए यहाँ एक्यूमुलेटर में पहुंच गया। तो जैसे ही मैं दबाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे भी ये 6 पर पहुंच गया, मुझे चाहिए कि मुझे रीसेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला जैसे ही बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए एक्यूमुलेटर 0 हो गया और मेरा ऑफ हो गया। लेकिन मेरी अभी भी कंडीशन क्या है कि मेरा ओवरफ्लो कर जाता है। जैसे जैसे मैं इसको काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 हो जाता है, 7 भी हो जाता है, लेकिन ओवरफ्लो तो मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या है, अभी ये प्रोग्रामिंग सही नहीं है। यानी मैंने क्या करा है, एक अल्टरनेट बटन से क्या किया, उसको रीसेट करने का, जब मैं 5 बार काउंट कर लूँ तो एक और अलग से बटन दबाऊं जो उसको क्या करेगा, रीसेट करेगा। तो दोस्तों, इसमें भी इशू है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें और थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे जो हमारा परफेक्ट हो जाएगा ये। तो प्रोग्राम में क्लिक किया हमने यहाँ पर और बैक गए,
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अलग बटन लिया है, मैं इस अलग बटन को यूज नहीं करके ये जो डन बिट है इसी से मैं अपना रीसेट, जैसी मेरी डन बिट आएगी फौरन क्या होगा, मेरा जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। बस अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको मैंने रन किया तो देखिए 1, 2, 3, 4 और देखिए दोस्तों जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए आपका आउटपुट भी हाई होगा, इस ब्लॉक पर भी पावर सप्लाई जाएगी और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ देखिए ये एक बार ब्लिंक करा और ये जीरो हो गया, यानी मेरा मूव ब्लॉक भी काम कर गया। देखिए किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए फिर से जीरो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए। अगर मुझे एक और इसके नीचे काउंटर लगाना है तो उसकी डन बिट से मैं उसको काउंट करा लूंगा कि यानी मेरा 5 बार कितनी, 5-5 बार प्री स्केलिंग कितनी बार हो गई। तो देखिए इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हमने काउंटर को कैसे यूज किया, उसकी रीसेट को कैसे यूज किया। दोस्तों यहाँ रीसेट नहीं होता, हम जो है मूव ब्लॉक में जो भी नंबर डालते हैं, यहाँ सोर्स में जो भी सोर्स है यानी हमारा इंटीजर सोर्स है, अगर मैं इंटीजर सोर्स में क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मान लीजिए 3, तो देखिए हमेशा अब क्या जाएगा जब जब ये रीसेट होगा तो एक्यूमुलेटर में 3 जाएगा। देखिए 3, 4, 5 तो देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेटर में क्या हो गया 3। जो आप सोर्स में वैल्यू दोगे वही आपकी डेस्टिनेशन पे वैल्यू जाएगी और डेस्टिनेशन क्या है हमारी एक्यूमुलेटर। सो दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर काउंटर का यूज करते हैं रीसेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आपने किस तरीके से काउंटर को रीसेट करना सीखा। सो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हाँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।